बैठिए ना, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। मंटो साहब, आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं आपकी फिल्म मिर्जा गालिब के गाने कितने शौक से गाती हूँ। बहुत बाजौक लगती हो, लेकिन मेरा उन गानों से क्या लेना था? मैंने तो सिर्फ वो फिल्म लिखी थी, वो गजलें तो मिर्जा गालिब ने लिखी। ठीक, जानती हूँ, लेकिन अब मिर्जा गालिब तो यहाँ आने से रहे, तो उनकी जगह मिर्जा गालिब फिल्म का राइटर ही हमारे यहाँ आ जाए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, सह नसीब। लेकिन तुम लोगों ने मेरा इस्तकबाल ऐसे क्यों किया, जैसे मैं कोई बुजुर्ग हस्ती हूँ? हमारे लिए तो आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, हमारे मोहसिन हैं। मोहसिन कैसे? आपने अपनी कहानियों में हम जैसी औरतों के बारे में इतनी हमदर्दी से लिखा है कि किसी और ने नहीं लिखा। आपकी कहानियां पढ़कर हमारे तो आंसू बह जाते हैं, लेकिन जख्मों पर हाहा भी रखा जाता है। तुम्हें तो खुद कहानियां लिखनी चाहिए, किस कदर खूबसूरत इजहार है। कैसा इजहार, हम तो सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। इस महफिल को खत्म करो, बाहर दूसरे गाहक के सबरे हो रहे। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, खुदा बख्श। अरे नहीं नहीं मंटो साहब, आप कैसे जा सकते हैं? अभी तो मैं मिर्जा गालिब ही की कोई गजल आपकी नजर करना चाहती हूँ। तशरीफ आवरी का शुक्रिया। बिटिया आपकी इसरार कर रही है, वरना अब खान साहब छेड़िए ना। दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। आह को चाहिए एक उम्र असर हो। Oh, man.
की तस्वीर आ गई अखबार में। तुझे नूरजहां पसंद है? शादी करेगा नूरजहां से? जी। ठीक। अभी फिल वक्त उसका एक शौहर है, ठीक है, लेकिन अल्लाह के घर से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तो जब वो निकल जाएगा उसकी जिंदगी से, तो फिर तेरी बारी आ सकती है। कर लूं बात, इंतजार कर लेगा तब तक। ताको, अब यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मुआनी, मैं नूरजहां से शादी करना है। ये क्या बकवास कर रहा है? भाई मैंने इसको कहा कि मुमकिन है ऐसा होना, क्योंकि नूरजहां का तुम्हें पता है शौहर तो बदल दिया। अरे लाहौल लाहौल, कम से कम बच्चों से तो ऐसी बातें ना किया करें। जाओ मियां, जाओ तुम जाके नाश्ता करो, बात हो गई है वैसे। अच्छा भी बच्चे को भेज दिया है, तुम ही दो घड़ी बैठ रहे हैं। मुझे सब पता है आप कल कहाँ गए थे। शर्म आनी चाहिए आपको, पहले ही बखेड़े कम हैं। सफिया तुम खामखा गलत समझ रही हो। दरअसल मैं रात को एक सकाफती तकरीब में मेहमान खुसूसी था। रात के 2 बजे? हाँ भाई, उनका भी काम करने का वही वक्त है जो मेरा है। तुम्हें वहां होना चाहिए था मेरे साथ। तुम्हें वहां जाके अंदाजा होता कि तुम्हारे शौहर की किस कदर इज्जत अफजाई की जाती है। गुलपाशी की गई, फूलों की पत्तियां निछावर की गई मुझ पे। बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत हसीन ख्वाब देख रहा। वैसे यकीन तो मुझे अभी तक नहीं आ रहा कि मैं वाकई कहीं गया था या नहीं। एक बहुत सुंदर सा सपना था उसे। अप्सराएं थी, बिल्कुल फिल्मी सीन था। वहां मधुर गीत गाए जा रहे थे, हवा खुशबुओं से मुअत्तर थी और घुंघरुओं की झलकार। सफिया मुझे लगता है कि असल में मैं रात को किसी फिल्म का लेट नाइट शो देखने गया हुआ था, वही देख के आ रहा था। रात को 2:30 बजे किसी फिल्म का कोई लेट नाइट शो नहीं होता। रात को आप गए थे मुजरा देखने और आपके पास से एक जनाना परफ्यूम की खुशबू आ रही थी जो मेरा नहीं था। भाई बाकी बातें तो तकरीबन ठीक हैं, बस वो जो परफ्यूम था असल में वहां ना, वो छोटी छोटी सुराइयों में वो इतर छिड़कते हैं लोगों पे। सकाफत का हिस्सा है ये चीज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हंगामा था कल रात, सारा मोहल्ला जाग उठा था। कहाँ गए थे मामू? मुजरा देखने। मुजरा देखने कहाँ? मुजरे बीडन रोड पे तो होते नहीं हमें, जहाँ होते हैं वहीं गए होंगे ना। जाहिर है खुलकर पियोगी फिर तो। जाहिर है। अस्पताल जाने से भी कोई बेहतरी नहीं हुई। मुझे तो लगता है खराबी ही हुई है। पागलखाने में दाखिल किए जाने पर वो बदला ले रहे हैं। डॉक्टर सईद से बात करूंगा मैं, मामा जान से दोस्ती भी है, शायद वहीं संभाल सकेंगे। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। पानी सर से गुजर रहा है सफिया, से रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करूं, जो कर सकती हूं कर तो रही हूं। मामा
भाई मंटो का पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहना बहुत मुश्किल है। वो कैसे भाई? वो किसी एक धड़े से जुड़ता ही नहीं है। कम्युनिस्टों के वो खिलाफ है, मौलवियों का वो मजाक उड़ाता है, और अब उसने अमेरिका की भी मिट्टी पलीद करना शुरू कर दी। ये तो उसकी सरिश्ता है। दिल्ली से लेके बंबई तक उसने हमेशा सच ही लिखा है और दुश्मन भी बनाए। ठीक है, मैं मानता हूं वो सच बोलता है, मगर मुंह फट है भाई। इसीलिए तो उसे बंबई से निकलना पड़ा और अब उसके लिए लाहौर तंग पड़ रहा है। तो सच्चा होना जुर्म हो गया। बंबई में उसके ऊपर पाकिस्तान दोस्ती का इल्जाम था और यहां उसकी हुब्बुल वतनी मुशकूक करार दी जा रही है। खास में सच बोलने के भी कुछ आदाब होते हैं, कुछ हुदूद होती है। एक नई मुमलिकत को मुस्तहकम करने के लिए, उसकी बुनियादों को मजबूत करने के लिए, उसकी नजरियाती असास को पुख्ता करने की जरूरत है। इसलिए मंटो जैसे रास्तगो दानिशवरों को अपने कलम को लगाम देने की जरूरत है। तो आपका मतलब है कि इजहार की आजादी पर पहरे बिठा दिए जाएं, एक किसी मखसूस अकीदे को, एक मखसूस नजरिए को अवाम पर मुसल्लत कर दिया जाए। भाई एक नई मुमलिकत को मुस्तहकम करने के लिए, उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए हाँ कुछ पाबंदियां लाजमी है। इस नजरियाती जबर का नतीजा अच्छा नहीं होगा शहाब साहब। मशरकी पाकिस्तान में रद्द अमल शुरू हो चुका है। पंजाब में जो मजहबी फसादात हैं वो आपके सामने हैं। कासमी, ये अपनी सोशलिज्म की ऐनक जरा उतार के देखो, इस मुल्क में भी तुम्हें हरियाली दिखाई देगी। जी हाँ, सावन के अंधे को हरा ही सूझता है शाह भाई। आओ लो भाई, चाय ठंडी हो जाएगी, लीजिए खाइए बिस्किट। रात तुम काफी देर से लौटी थी। आपको कैसे पता है? आप तो खुद बड़ी देर से आए थे। पैकअप तो 10 बजे हो गया था। आप कहाँ थे? हसबे मामूल सेट पर तो नहीं थे? दफ्तर में था मैं। 12 बजे तक? हाँ, कुछ दोस्त आ गए थे, फ्लैश चल पड़ी थी। जीते या हारे? जीता। क्या रुपए या फिर लड़कियां? क्या बकवास कर रही हो? जब खावन की बारी आती है तो तुम एक टिपिकल हासिद मशरकी बीवी बन जाती, और जब खुद की बारी आती है तो तुम्हारी फ्लर्टेशन खत्म होने का नाम नहीं लेती। वो आपकी फ्लर्टेशन से याद आया, कल शूटिंग के बाद मैं जहांगीर के साथ ड्राइव पर गई थी रात देर से। शौकत जी, आपको तो पता ही है ना, नहर के किनारे रात देर से ड्राइव का मजा आता है। और पता है, हमने पानी में पांव भी डाले, बड़ा मजा आया। तो नहा भी लेती, उसमें मजा, खास तौर से देखने वालों को जरूर। मैंने तो कहा था जहांगीर से, मगर आपको तो पता ही है कितना शर्मीला है आम जिंदगी में। सेट पर तो बहुत बेबाक होता है, खास तौर पे तुम्हारे साथ होने वाले बोल्ड सीन्स जब रीटेक कराने हो। ऐसा एक्टर बड़ा अच्छा है, देख लेना हमारी जोड़ी हिट रहेगी। ये बात तुम मुझे चिढ़ाने के लिए कह रही हो ना? शौकत जी, नूर जहां तो प्यार की भूखी है, एक रास्ते में रुकावट आएगी तो दूसरा रास्ता निकल आएगा। तुम्हारी औकात दिखने लगी है, कहां से उठा के मैं तुम्हें महलों में ले आया, मगर तुम दोबारा से उसी गलाजत की तरफ लौटना चाहती हो। शौकत, मेरी औकात जो है वो तो वही रहेगी, और मुझे इस पे फख्र है। और ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि गलाजत की तरफ कौन लौट के जाता है। आइए आइए उस्ताद जी, आइए। क्यों उस्ताद जी, आप तो घर के बंदे, क्या हुआ अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से एमए कर लिया? हैं तो आप भी वही के ना जहां की मैं हूं। आइए आइए ना उस्ताद जी। लो जी, मैं जरा प्रैक्टिस कर लूं रियाज। मेरे मुखड़े तक काला काला दिल में ला 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 ला।
ओए पुत्र आराम से। लो जी खुदाबख्श केस तैयार है। कौन सा केस चौधरी साहब? है कौन सा केस? अरे मंटो का केस अगला, उसकी गंदी रहनीत का मुंह बोलता सबूत। चौधरी साहब जी, वो हीरा मंडी में तो बड़े मौजूद लोग भी जाते हैं जी, और शायर और अदीब तो अक्सर वहीं पड़े रहते हैं। अरे मैं तमाशबीनी की क्या बात कर रहा हूँ, मैं तो फौजनिगारी की बात कर रहा हूँ। ये हीरा मंडी का जिक्र कहाँ से आ गया खुदा बख्श? ओ जी कभी कभी मैं जाता रहता हूँ वहाँ जी, रेड के लिए जी। मगर जिस्म फरोशी से ज़्यादा ख़तरनाक ये जिन्स फरोशी है। मैंने मंटो की नई कहानी ढूंढ ली है और उसके काबिल एतराज़ हिस्सों पर निशान भी लगा दिए हैं। ये देखो, इस बार 292 का केस पक्का। वाह जी वाह चौधरी साहब, आपने तो पूरा केस ही तैयार कर लिया जी। ये ओपन एंड शट केस है। अब जल्दी मंटो जेल में होगा। ये देखो, ये केस 292 पक्का। चौधरी साहब जी, इस कहानी पे 292 का केस बनता है जी? अरे बिल्कुल बनता है खुदा बख्श। तुम मौजू तो देखो, फोड़े पे कहानी लिखी। अरे खुदा बख्श, इन अखलाकी फोड़ों का इलाज पा गई। ऑपरेशन है ऑपरेशन, ऑपरेशन 292। बजी, इसके अंदर तो काफी पीप है, लगता है ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। चौधरी साहब जी, मैं चलता हूँ जी अब। है जी, मैं ये ले जाऊँ? हाँ हाँ, बस ये हो गया। ओ जी मैं, चौधरी साहब मेरी टोपी रह गई। हो गया, बस करो। वजीरा ठीक से तो दबा दे। रोजी मेरी चाय थी, ला दी थले। मल दे नीचे से। अम्मा कल रात कितना मजा आया ना, मंटो साहब हमारे घर आए। अरे घर नहीं, कोठे पे। तो एक ही बात है? एक ही बात नहीं है नाजो, घर घर होता है, कोठा कोठा। कोठे पर लोग रात के अंधेरे में आते हैं और मेहमान घर पर दिन की रोशनी में। तो हम उन्हें घर बुला लेंगे। जैसे वो आएगा देख लेना, आएगा मेरा कहानी डालेगा वो। उसने हमारा हुलिया और सूटने बगैर मेकअप की देख ली तो साला भाग जाएगा, और अगर नहीं भागा तो मेरा नाम बदल नहीं। अम्मा वो तमाशबीन नहीं है, मंटो है। उसे हमारे जाहिर से कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे हमदर्दी है हमारे अंदर से, प्यार है, जैसे जैसे हमारी दाई या अम्मा। अम्मा कुमे से कहना कि अखलाक डिपो से मुझे मंटो साहब की एक और किताब ला दे। अरे कुमा काम कर रहा है, पेटी ठीक कराने गया है। तो अम्मा कभी तो वापस आएगा ना, फिर भेज देना। कल कहेगी के कॉलेज में दाखला करा दूं तेरा। हर्जी क्या है, सारा दिन तो फारिग बैठे रहते हैं। बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब आपने, आप मंटो साहब को भी साथ ले आए। अरे मियां साहब आपकी फरमाइश थी, भला कैसे नहीं लाते हम। मंटो साहब बहुत सुना है हमने आपके बारे में। सब 100% ठीक है। अच्छी वाली बातें या बुरी? ये अच्छी वाली कौन सी है डॉक्टर साहब? आइए आइए जी जी, बैठिए मंटो साहब बैठिए। डॉक्टर साहब आपकी बहुत तारीफ करते हैं, खुद माहिर अज़दवाजी नफ्सियात हैं, मगर आपको अपना उस्ताद कहते हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल, जितनी नॉलेज और समझदारी अज़दवाजी मसाइल की मंटो साहब को है, उतनी बड़े से बड़े माहिर नफ्सियात के पास नहीं होगी। मोहब्बत है मियां साहब ये डॉक्टर साहब की, वरना इनका सारी भी है अपने, हमें ये मालूम ना था। वरना 100% ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ले आइए भाई ले आइए, रखिए इधर रखिए रखिए। अह
हमें तो डॉक्टर ने मना कर रखा है हार्ड ड्रिंक से, मगर आप लोग शौक फरमाई। मना तो मुझे भी कर रखा है, लेकिन आप जानते हैं मुझे नॉलेज ज्यादा है। सिर्फ दिल के मामला में, जिगर के बारे में नहीं। मंटो साहब, आप जिगर के मर्ज में मुब्तला हैं, इसलिए एहतियात लाजिम है। लीजिए। हाँ ठीक है, तुम जाओ। डॉक्टर साहब, बेगम साहिबा आपसे मुलाकात के लिए तैयार हैं, आप उनसे जाकर मिलिए, हम उतनी देर मंटो साहब के साथ बैठते हैं। जी ज़रूर, मैं ज़रा मिल के आता हूँ। वो मंटो साहब, आपसे एक मशवरा लेना था हमें। मुझसे मशवरा? मियाँ साहब, आप गहरी नज़र रखते हैं इन मामलात में। वो एक आरज़ा है ना शी साहब, केस बनता है? हाँ, मगर खींचना पड़ेगा थोड़ा। वो तो आप बहुत पहले से खींचते चले आ रहे हैं। तब चौधरी साहब खुद सरगर्म थे और फिर लोग उनका एहतराम करते थे। बशीर साहब, अभी भी डोर जो है चौधरी साहब के हाथ में, वो खींचते ही चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, FIR दर्ज करा देता हूँ। मगर ये अदालतें आजकल बहुत मोहतात हो गई हैं इस तरह के केसों में। ये दानिश्वर और अखबार वाले राय का पहाड़ जो बना देते हैं। कह तो ठीक रहे जी आप। ठीक है, सेक्रेटरी साहब से मशवरा कर लेते हैं। ये ठीक रहेगा। तो ऐसा करता हूँ कि तब तक ये फाइल मैं अपने पास रख लेता हूँ। ठीक है जी। अब पता नहीं है मंटू साहब बिना ऐसे मौजूद पे क्यों लिखते। अच्छा, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है जी। वैसे तो खड़ा हो जा। तर साइकिल चाहिए। सलाम मंटो साहब, एक घंटा के दो। दो लेकिन साइकिल ठीक वाला देना। ये नई साइकिल है मंटो साहब। हाँ, आप ज़रा ख्याल रखिएगा इसका, कहीं और ना छोड़िएगा पहले की तरह। खराब हो गई, मरम्मत के लिए दी थी साइकिल वाले, भूल गया बाद में कि वो कहाँ बैठता। साइकिल तो गई ना मंटो साहब। उसके पैसे दे रहा हूँ ना। 10-10 रुपये किस्त में? ये कितने महीनों में पूरे होंगे साहब? तो ज्यादा सर ना खाओ, पहले मूड बहुत खराब है। ओ मेरा चिराग दिनाल ब्याह करा देंगे। मुबारक हो, तुम्हारा ऑडिशन कामयाब हो गया। मुझे तुम में टैलेंट दिख रहा है, बेपनाह टैलेंट। सच सर? सर क्यों कह रही हो मुझे? शौकत का। मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें यह हक देता हूँ, तुम जो चाहो मुझे कह सकती हो। तुम मुस्तकबिल की स्टार हो। ये लो, तुम्हारे स्टार होने के नाम। चिराग दे नाल मेरा ब्याह कर दिता है। Thank you.
गया मंटो साहब? नहीं सही गल है। अरे देखी तुमने? कौन सी हो? मुझे वहां पे टकराई मेरी साइकिल से। जो साइकिल चलाते हुए औरतों को ना देखा करें मंटो साहब, ऐसा करना ना तो डांगा दे दिया करें। अबा कहां थे आप? आपको ढूंढ रहे थे। क्यों बेटा? आपको नहीं पता? खैरियत है ना बेटा? आपसे मेहमान मिलने आ रही है। कौन मेहमान? कहाँ चले गए साहब? कब से आपको ढूंढ रहे? खैरियत तो है ना सफिया, क्या हुआ? कहीं जाना है? नहीं, आपके मेहमान आ रहे। कौन मेहमान आ रहे? आइए बताती हूँ। और ये सब क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ रहा है? हटो बेटा हटो, अब्बा कौन है? Mr. Manto, it's a pleasure to see you. I'm from the U.S. Council Lahore. Madam, what an absolute pleasure. Uncle Sam, और मेरे घर पे। मैंने तो Uncle Sam के नाम एक खुला खत लिखा और उसे पोस्ट भी नहीं किया था। आज वो उस खत का जवाब देने खुद मेरे घर तशरीफ ले आए। कभी मैं इनको देखता हूं, कभी अपने घर। मैं मंटो।